राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान व कालजयी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति खेलों में विशेष योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के अलावा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार प्रमुख है। इस अवसर पर खिलाड़ियों के साथ साथ उनकी प्रतिभा निखारने वाले कोचों को भी सम्मानित किया जाता है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी भारतीय स्कूल और शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन अपना सालाना खेल समारोह में आयोजित करते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में यह दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ध्यानचंद एक हॉकी के खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने खेल के प्रदर्शन से पूरी दुनिया में हॉकी का नाम रोशन कर दिया और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपने नाम को अंकित कर दिया, जिसका नाम ध्यानचंद था। जब वह खेल के मैदान में आते थे तो विरोधी टीमें पनाहें मांगने लगती थी और अपना सिर उनकी टीम के आगे झुका लेती थी। वह एक ऐसे खिलाड़ी थे कि वे किसी भी कोण का निशाना बनाकर गोल कर सकते थे। उनकी इसी योग्यता को देखते हुए उन्हें विश्व भर में हॉकी का जादूगर भी कहते थे। ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद शहर में हुआ था, जिसका नाम आज प्रयागराज नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय पश्चात उनके पिता का स्थानांतरण झांसी में हो गया और तब ध्यानचंद भी अपने पिता के साथ वहीं रहने लगे। पिता का बार बार स्थानांतरण होने के कारण वह पढ़ाई में ध्यान अच्छी तरह नहीं लगा पाए और उनका मन हॉकी खेलने में लगा रहा। वह केवल 6वीं कक्षा तक ही पढ़े। बचपन में लोग इन्हें ध्यान सिंह के नाम से पुकारा करते थे। जब वह छोटे थे तो वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेड़ की डाली की हॉकी बना लिया करते थे और कपड़े की गेंद बनाकर खेलते थे। एक बार वह अपने पिता के साथ हॉकी का खेल देखने गए। वहां उन्होंने एक पक्ष को हारता देख वह दुखी होने लगे। तब वह चिल्लाकर अपने पिता से कहने लगे कि अगर मैं कमजोर पक्ष की तरफ से खेलूंगा तो परिणाम कुछ और ही होगा। तभी वह वहां खड़े एक ऑफिसर ने उन्हें खेल के मैदान में जाने की इजाज़त दे दी। वहां जाकर उन्होंने लगातार 4 गोल किए और वहां के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय वह केवल 14 साल के थे। उनकी इस प्रतिभा को देखकर 16 साल की उम्र में उन्हें आर्मी में भर्ती कर लिया गया। इसके बाद भी वह अपने आप को हॉकी से अलग नहीं कर पाए। ध्यानचंद के पहले कोच का नाम भोले तिवारी था। चूंकि आर्मी में कार्यरत होने के कारण उनके पास हॉकी खेलने का समय नहीं होता था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उस समय वे रात को चांद की रोशनी में हॉकी खेला करते थे। 23 साल की उम्र में ध्यानचंद को 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भारतीय टीम के सदस्य के रूप में चुना गया। यहां भारतीय टीम द्वारा खेले गए 4 मैचों में 23 गोल किए और स्वर्ण पदक हासिल किया। 1932 में वर्ल्ड ओलंपिक में ध्यानचंद को कप्तान बनाया गया। 15 अगस्त 1936 को हुए मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया और स्वर्ण पदक जीता। इस मैच को जर्मनी का हिटलर भी देख रहा था और जब खेल खत्म हुआ तो उसने ध्यान से मिलने की इच्छा जताई और उनसे मिलकर उनकी बहुत तारीफ भी की। हिटलर ने ध्यानचंद को अपनी टीम में आने के लिए भी कहा, परंतु मेजर ध्यानचंद ने पूर्ण रूप से मना कर दिया। 1932 में भारतीय टीम ने 37 मैच खेले और 338 गोल किए, जिसमें 133 अकेले ध्यानचंद ने किए थे। इनमें से 11 पर ध्यानचंद का नाम लिखा था। इंटरनेशनल मैचों में 300 गोल का रिकॉर्ड भी ध्यानचंद के खाते में ही जाता है। उन्होंने अपने हॉकी जीवन में इतने गोल किए जितने गोल खिलाड़ी अपने
पूरे जीवन के दौरान नहीं कर पाते हैं। उनके ऐसे करिश्माई खेल में हॉलैंड में उनकी खाकी को तोड़कर देखा गया कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगी है। जापान में उनकी हॉकी का प्रयोगशाला में भी परीक्षण किया गया, कहीं उनकी हॉकी में गोंद तो नहीं छिपा हुआ है। 1948 में 43 वर्ष की उम्र में वह आर्मी से सेवानिवृत्त हुए तो उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से पुरस्कृत किया और 29 अगस्त उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, the final of the Olympic hockey, the wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. India score. India score again. Final result was India 8, Germany 1.